तो दोस्तों, जैसे कि आपको पता ही होगा कि दुबई वर्ल्ड एक्सपो 2020 इसे पोस्टपोन करना पड़ा था बिकॉज ऑफ कोविड। एंड नाउ अब ये जो 2021 में हुआ है दुबई एक्सपो, यहाँ पर भारत ने भी अभी काफी अच्छी अकॉम्प्लिशमेंट की है। दरअसल महाराष्ट्र ने अब यहाँ पर 25 MOUs को साइन कर लिया है और इसमें कुल 6 देशों की कंपनीज है। यहाँ पर एस्टिमेट लगाया जा रहा है कि ये जो भी 6 कंपनीज है इंटरनेशनल, ये भारत के भीतर ऑलमोस्ट $2 बिलियन का एक बड़ा निवेश करने वाली हैं। यहाँ पर द प्रिंट के भी आर्टिकल में आप देख सकते हो, महाराष्ट्र साइंस 25 MOUs विद कंपनीज ऑफ 6 कंट्रीज एट दुबई वर्ल्ड एक्सपो। वेल, अब इस तरह के इन्वेस्टमेंट से भारत के भीतर 10,851 लोगों को डायरेक्ट रोजगार मिलेगा और वहीं पर इनडायरेक्ट एम्प्लॉयमेंट की बात करें तो ऑलमोस्ट 15,000 से 20,000 लोगों को यहाँ पर रोजगार मिल सकता है। ये जितने भी MOU महाराष्ट्र ने इन कंपनीज के साथ साइन किए हैं, एक तौर से देखा जाए तो ये महाराष्ट्र गवर्नमेंट का जो इनिशिएटिव है मैग्नेटिक महाराष्ट्र 2.0, इसके अंतर्गत ही किया गया है। यहाँ पर 15,260 करोड़ रुपीस इन्वेस्टमेंट का दावा किया गया है। और देखा जाए तो यहाँ पर काफी ज्यादा डाइवर्सिटी भी है इस तरह के इन्वेस्टमेंट में। यहाँ पर इलेक्ट्रिक व्हीकल से लेकर लॉजिस्टिक, फिर ऑटो कॉम्पोनेंट्स, हाल ही में ऑटो कॉम्पोनेंट्स को लेकर भी भारत ने काफी ज्यादा जोर लगाया है कि भारत के भीतर ऑटो कॉम्पोनेंट्स को भी मैन्युफैक्चर किया जाए। देन डेटा सेंटर्स, फार्मास्यूटिकल्स, बायोफ्यूल्स, जो कि अपने आप में ही काफी बड़ा चैलेंज है भारत के लिए। एंड लास्ट बट नॉट द लिस्ट, एनर्जी और टेक्सटाइल के भी मामले में यहाँ पर भारी निवेश होंगे। और वहीं कंपनीज की बात करें तो जापान, सिंगापुर, स्वीडन, साउथ कोरिया, जर्मन और इटली की कंपनीज इसमें शामिल है। यहाँ पर महाराष्ट्र सरकार भी काफी ज्यादा उत्सुक और खुश है कि फाइनली यहाँ पर फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट काफी तेजी से बूस्ट हो रहा है इस स्टेट में। और ताज्जुब की बात आपको ये लगेगी कि 2000 से लेके सन 2020 तक पूरे भारत के अगर क्यूमुलेटिव FDI इनफ्लो को अगर हम नजर डालें, अकेला महाराष्ट्र ऐसा स्टेट था जिन्होंने पूरे इंडिया के 1/3 FDI इनफ्लो को अट्रैक्ट किया है। अकेले महाराष्ट्र ने ही सन 2019-20 में 79,216 करोड़ के FDI को अट्रैक्ट किया था। सो ओवरऑल देखा जाए तो आत्मनिर्भर भारत और मेक इन इंडिया इनिशिएटिव इससे काफी तेजी से बूस्ट होने वाला है। इससे जुड़ी और ज्यादा जानकारी के लिए आप डिस्क्रिप्शन में कुछ आर्टिकल्स की लिंक चेकआउट कर सकते हो।